आज का दिन मेरे लिए काफी अलग है क्योंकि फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 2 months लॉकडाउन था, ना सलून्स ओपन थे ना कुछ, बट आज के दिन फाइनली मैं बाहर आई हूँ अपने आप को मेक ओवर देने के लिए। आई एम गोइंग टू क्रिएट माई स्टाइल विद अ वेरी न्यू सलून दैट इज ओपन नेक्स्ट टू ईरानी कैफे इन विमान नगर, एंड दिस सलून इज नन अदर देन एंड लिप सलून। So today I am ready to create my style, have a new makeover, and let's see what are going to be the results. Follow me. As you can see, the NLife salon is following all the safety protocols, from wearing proper gloves to sanitizing and checking the temperatures to also sanitizing the seats and also just taking 50% of customers. मैंने एक्चुअली कुछ माइंड में रखा नहीं है, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन से कलर या कौन से लुक के साथ जाऊंगी, बिकॉज आई रियली ट्रस्ट द हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ NLife सलून एंड वो मुझे हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले अकॉर्डिंग टू माई यू नो अकॉर्डिंग टू माई फीचर्स एंड एवरी थिंग ही इज गोइंग टू डिसाइड एंड डू इट। सो आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। आपके पास तो कस्टमर्स की लाइन लगी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सो कैन यू जस्ट टेल मी लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, द कैमरा इज जस्ट हियर। हेलो एवरीवन, आज मैं नाम का हेयर कलर करने जा रहा हूँ, वो भी जो न्यू ट्रेंड आया है बालियर, एंड उसके अकॉर्डिंग टू मैं हेयर कलर करने वाला हूँ। एंड आप देख लो, मतलब नहीं जो भी चेंजेस होंगे आपके सामने होंगे। I'm excited for the new balayage look. He guided me कि ये look मेरे skin पर बहुत suit करेगा, मेरे features पर बहुत suit करेगा, and इतने time बाद एक hair transformation मज़ा आ जाएगा। तो wait करते हैं, 2-3 घंटे की बात है। Hope for the best. तो मैं अभी ये magic color use कर रहा हूँ, जो color आप उन मैम के लिए choose किया है वो जो रहेगा वो जो परफेक्ट और इवन आने के लिए आपने को ये मेजरमेंट लेके हेयर कलर मिक्स करना है, ताकि जो भी आपको कलर शेड चूज किया है ना वो प्रॉपरली आ जाए। ठीक है, तो अभी ये कलर मिक्स करने के बाद देन हेयर पे आप देख सकते हो कि कौन सा कलर और कैसे आ रहा है। ठीक है,
आई हैव रियली रन आउट ऑफ वर्ड्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सबसे पहले मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये कौन है. मेरा पूरा लुक चेंज हो गया है, मेरा हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, एंड ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कलर ट्राई करा है. एंड ट्रस्ट मी गाइस कि ये जो कलर है और ये जो टेक्निक है, इट इज़ नॉट ईजी, एंड ये सबकी बस की बात नहीं है. लाइक ये इजीली नहीं सब लोग कर सकते, बट थैंक्स टू हेयर स्टाइलिंग एक्सपर्ट मिस्टर नितिन, उन्होंने इतने अच्छे से किया है. यू कैन जस्ट सी द फिनिशिंग, बहुत अच्छा फिनिशिंग है. ऑल थैंक्स टू मिस्टर नितिन. के हर में जो मैंने अभी जो चेंजेस लाए हैं, जो नया लुक लाए हैं, इसमें मैंने वालियर टेक्निक यूज़ की है, क्योंकि मैम को उस टाइप में जो न्यू ट्रेंड आया है उस टाइप में उनको हेयर कलर चाहिए था. तो सी मैम का हेयर कलर जो उन्होंने चॉइस किया था, देन उनके फेस को, देन उनके बॉडी लैंग्वेज, अभी हेयर में बोल रही है जो चॉइस किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये. मेरे इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी परफेक्ट है. सी ऑल जैसे आप हेयर स्टाइलिंग करोगे, फिनिशिंग सब, मतलब ऑल साइड से आपको सेम लुक मिलेगा. देन मतलब जैसे आप कुछ वन साइड कर देते हैं. एक्साइटमेंट सिर्फ मेरे बालों तक ख़त्म नहीं होती है. दिस सलून इज सो ब्यूटिफुल, मुझे और बताना है इसके बारे में. कम हैव अ लुक, लुक एट दिस ब्यूटिफुल मैनीक्योर पेडीक्योर सेक्शन. प्रीटी राइट? हैव अ लुक एट द फेशियल रूम. ये सलून काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल वैक्सिंग ऑल्सो हेयर के. हाँ, हेयर के लिए भी नीचे इनका सेक्शन काफ़ी बड़ा है. स्पेशल थैंक्स टू माय हेयर स्टाइलिस्ट मिस्टर नितिन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग वर्क. थैंक यू सादिया मैम टू विजिट टू इन लाइफ. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आप भी मैं यहां पे बार-बार आऊंगी. ओके, और इससे पे अलग कुछ आपको क्रिएटिविटी करना होगा तो प्लीज टू डू विजिट एंड लाइव इन विमाननगर. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.